हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। बढ़ते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इन द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। बिजनेस डिसीजन में क्या रोल ले सकता है? चार तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बताना है, इंटरडिपेंडेंस बतानी है इन दोनों की, स्कोप इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन भी बताने हैं हमको इस क्वेश्चन के अंदर। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिकली दो ब्रांचेस है, माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो की। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स द पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर और अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टडी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? किसी भी एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना, किसी भी एक आदमी के बारे में स्टडी करना या किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी करना। Whereas the macro economics, whole economy or the large groups of the studies in a total production, total consumption, total investment. लेकिन अगर हम macro economics की बात करें तो ये larger economy cover करता है, जैसे बहुत सारी similar industries का total production क्या रहा होगा, total consumption क्या रहा होगा, investment क्या रहे होंगे, कितना save करा होगा उन्होंने, demand supply कितनी रही होगी, employment कितना होगा, इन चीजों के बारे में हम macro के अंदर study करते हैं। According to the Professor Boulding, Professor Boulding के according, microeconomics is a study of a particular firm, particular household, particular pieces, wage income, industries and the particular commodities. किसी भी particular एक चीज की अगर हम बात करें तो वो study करी जाती है microeconomics के अंदर। According to the Henson and the Grabford, microeconomics is a study of the economic action of the individual and the well-defined group of individual. Microeconomics क्या है? Study है उन economic actions की, उन individuals की, जो कि वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स में भी आ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट। किसी भी स्पेसिफिक यूनिट की ही स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक बिहेवियर ग्रुप जो है वो ही होता है इसके अंदर। नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। भाई स्टडी जब एक ही जने के ऊपर कर रहे हैं तो इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर। तो अंडर द साइज ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट सो दैट द स्मॉल द चेंज अराइजेस ड्यू टू इट, नो इफेक्ट ऑन द होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ किसी भी पर्टिकुलर फर्म के अंदर भी। प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी बिकॉज अंडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व इंडिविजुअल प्राइस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज आर डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम देखते हैं डिमांड और सप्लाई का, इंडिविजुअल की प्राइस का अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर, और उनको उसी हिसाब से हम डिटरमाइन भी करते हैं। स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल प्राइसेस इंस्टेड ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पे जो स्टडी करी जाती है वो इंडिविजुअल प्राइस लेवल से करी जाती है, जनरल प्राइस लेवल से नहीं। मोर इकोनॉमिक स्टडी ऑन द इंडिविजुअल प्राइसेस ऑफ एनी कमोडिटी सो द जनरल प्राइसेस आर नॉट स्टडी। जनरली क्या चल रही है प्राइसेस के ऊपर स्टडी नहीं करा जाता। स्कोप देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्कोप कहां तक बढ़ता है। फॉल पॉइंट्स आर स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, कंजप्शन के बारे में। अंडर इट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन लाइक द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व आर स्टडी। सब चीजें ये स्टडी करी जाती है। प्रोडक्शन अंडर principle of production like the laws of returns, returns to scale, cost of production and the optimum combination of the factors are studies. अलग अलग जो combination है हमारे factors के उनको study करा जाता है। Distribution under it returns of the factors like production like the interest, wages, salary and determination of the profits are and steady profits का study करा जाता है अलग अलग factors के ऊपर। Exchange under different market conditions determination of the price and the outputs is also the main subject of the microeconomics. Microeconomics का main subject ही यही है कि अलग अलग market conditions के ऊपर price और output के बारे में study करना। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर इतनी छोटी सी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को अगर अपन समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हमको इकोनॉमिक की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो By study of the individual units separately, microeconomics makes it easy to study the whole economy. एक individual को study करके हम पूरी economy की study easily कर सकते हैं because the construction of the whole economy is done by the combination of individual units. क्योंकि हमको ये पता है छोटी छोटी units अगर मिलेगी तभी एक बड़ा सारा economy के बारे में analysis हम कर पाएंगे। Complementary of microeconomics, microeconomics के लिए complementary tool है because individual action और behavior के ऊपर ये काम करता है। Analysis डाला जाता है पूरी economy में जो कि बहुत easy हो जाता है, individual की पैसा save हो जाता, इन्वेस्टमेंट सेव हो जाता है, एक्सपेंसेस भी बच जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन द मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा अच्छा और तरीका वाला रोल है। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस,
These days, with the help of the microeconomic business manager, take the important managerial decision. कोई ना कोई managerial decisions वो लेते हैं. In decision making, knowledge of the microeconomics is a very helpful, बहुत ही ज़्यादा helpful ये साबित भी हो जाता है. Analysis of the problem and their solution remedy. Analysis करना किसी भी problem को और उनके solutions provide करना. In microeconomic study of the problems of the individual economic unit is the economic unit की individually problem को solve करा जाता है. By examine and analysis these problems, their solution are found. और इन problems को analyze करके solutions भी दिए जाते हैं. Helpful in analyzing the problem of taxation. Taxation की problems को भी analyze करा जाता है. By studying the effects of the different types of taxes with the help of the microeconomics, it can be known that which tax is proper to impose and which tax is not. किस tax को properly impose करना चाहिए, किसको impose नहीं करना चाहिए, ये एक important हिस्सा बन जाता है. Important for the managers. Managers के लिए ये important है. The knowledge of the microeconomics helps the manager in maximizing the profit. Profit को maximize किस तरीके से कर सकते हैं, demand और supply को analyze किस तरीके से करते हैं, commodity की cost क्या है, उससे कितना revenue हम generate कर पा रहे हैं, ये भी एक important चीज़ है हमारे managers के लिए. Helpful in the factor price determination of the service and the commodities. Commodities or services की prices को set करना. With the help of the microeconomics, the price determination of any commodity is done. किसी भी price जो भी set करनी है किसी भी commodity की वो करी जाती है microeconomics की help से. उनकी demand कितनी है, उतनी उनकी supply कितनी है अलग अलग market की conditions के according. Helpful in the factor price of determination. Factor price determination में भी ये हमारी help करते हैं. कैसे, जैसे price हो गया हमारे rent का, हमारे interest का, हमारे wages का, हमारे salary का, ये सारे different production है हमारे land, capital, labor, entrepreneur, organization के जो determine करे जाते हैं microeconomics की help से ही. Helpful in explaining the flow of goods and services. Goods का flow और services का flow हमारी help कौन करता है, microeconomics ही help करता है इसमें भी. तो microeconomics explain the flow of the factors of the production from families to the firm. Firm से families तक flow of factors लेके आता है जिससे production हो सके. And then flow of goods and services from firm to household. और firm से household में कोई ना कोई flow of goods and goods house भी होता ही होता है. Useful in the formulation of the economic policy. Economic policy के formation के लिए ये बहुत ही ज़्यादा essential बन जाता है. Microeconomics is helpful in the formulation, analysis and the valuation of the economic policy. Economic policy के जितने भी valuations है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful role मिल जाता है. Limitations of the microeconomics. Microeconomics की क्या क्या limitations है. सबसे पहला है lack of knowledge of the whole economy. पूरी economy के अंदर lack of knowledge होना. With the help of the microeconomics, the knowledge of the whole economy cannot be done. पूरी economy की knowledge को हम नहीं देख कर सकते. Because in it only the individual units are studied. Individual units को ही हम study कर पाते हैं. Not appropriate for the whole economy. पूरी economy के लिए appropriate role play नहीं करता. Conclusion and the results taken up with the help of the microeconomics are not appropriate for the whole economy. पूरी economy के लिए helpful साबित नहीं हो जाता है. Like the savings is appropriate for the individual. Individual के savings appropriate होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. But if all the peoples of the country together saves them, it has a bad effect on the economy. Economy के ऊपर बहुत ही गंदा effect इसका पड़ जाता है. Based on the unrealistic assumption. Unrealistic assumption के ऊपर ये based है. Microeconomics based on the unrealistic assumption like the full employment, perfect competition, self-interest. Self-interest के ऊपर ही based होता है ये सारा. तो ये थोड़ा सा unrealistic assumption साबित हो जाता है. Some economic problems cannot studies to the microeconomics. Microeconomics से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम स्टडी नहीं कर पाते. क्या क्या हो सकती है, अप्रोप्रिएट जैसे फिस्कल पॉलिसी हो गई, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, इन सब चीजों को हम स्टडी नहीं कर पाते माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. लेस इंपॉर्टेंट In the present, the importance of the analysis of the study is done in the small level is decreasing because the place of the individual importance of the society groups is increasing. जो place है groups का और society का वो बढ़ रहा है, इसलिए individual का study होना इतना ज़्यादा analytical role play नहीं कर सकता है. तो next conclusion की अगर हम बात करें तो conclusion यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही आता है. Conclusion क्या है, on the basis of the above points, it is clear that the microeconomics is helpful in the production. ये production में भी helpful देता है, consumption में भी help करता है, exchange के अंदर भी help करता है, distribution में भी help करता है, price को determine करने में भी help करता है. लेकिन कुछ ना कुछ study जो है unemployment की, economic planning की, foreign trade की, national income की, government revenue की, banking की, इन सब चीजों की calculation ये नहीं कर पाता है. तो इसके लिए अब हम next topic पढ़ने वाले हैं macroeconomics. Macroeconomics. Macroeconomics is that the branch of the economic analysis in which the groups created to the whole economy like the national income, total production, national income आ गया, total production आ गया, total consumption आ गया, total savings आ गया, हमारा wage level आ गया, हमारा general cost और general price level को ही study करा जाता है. तो यहाँ पे दो तीन definitions हमारे को अलग अलग professors ने दे रखी है. इन definitions से analyze कर सकते हैं that macroeconomics वो problems related analysis करता है जो कि पूरी economy की होती है, मतलब बड़े level के ऊपर study करने का काम macroeconomics का है.
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहला है चेंजेबिलिटी। इन इट्स द माइक्रो यूनिट्स आर कंसीडर्ड एज द वेरिएबल वेयर एज द माइक्रो यूनिट्स आर कंसीडर्ड एज अ स्टैटिक। मैक्रो यूनिट्स को तो हम वेरिएबल बोलते हैं, माइक्रो यूनिट्स को हम यहाँ पे कंसीडर या फिर स्टैटिक भी बोल सकते हैं। कलेक्टिवनेस, माइक्रो क्वांटिटीज आर नॉट ऑलवेज द टोटल ऑफ द माइक्रो क्वांटिटीज नॉर वी कैन गेट द इंडिविजुअल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैक्रो क्वांटिटी बाय द इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट से ही हम कोई माइक्रो क्वांटिटीज नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द माइक्रो एंड द मैक्रो इज डन बाय द डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम डिटर्मिनेशन करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द होल सोसाइटी इज कैप्ट इन द व्यू ड्यूरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में बेनिफिट पूरी सोसाइटी का एज अ होल डाला जाता है। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी आर स्टडी। पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करा जाता है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज एंड नॉट सीन ऑन द इंडिविजुअल यूनिट्स बट एट अ होल सोसाइटी। पूरी सोसाइटी के ऊपर प्रॉब्लम्स को डाला जाता है। स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सबसे पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन इट द फॉर्मुलेशंस ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डन। इनकम और एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मेशन करा जाता है, स्टडी करा जाता है कंजप्शन के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मल्टीपल एंड एसिलेशन करा जाता है। थ्योरी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल की क्या थ्योरी होती है? In it, the formulation of the general price level is steady and the problem related to the inflation, deflation, prime subjected matter in the macroeconomics. Macroeconomics में ये बहुत ही बड़ा subject matter बन जाता है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर द फास्ट एंड द बैलेंस डेवलपमेंट। अगर फास्ट और बैलेंस डेवलपमेंट होगा हमारे पास, डेवलपिंग कंट्री अप्लाई करेगी बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज के ऊपर। सो द स्टडी ऑफ द प्रोसेस एंड द थ्योरीज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब बन जाता है। थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द ट्रेड साइकिल इज डन। ट्रेड साइकिल को करा जाता है, फैक्टर ऑफ द बूम एंड डिप्रेशन इन द ट्रेड साइकिल, देयर इफेक्ट्स एंड द रिमूवल ऑफ दीज इफेक्ट्स आर स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्हीं की स्टडी के ऊपर मेन एम्फेसिस डाला जाता है। फिफ्थ, थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्या थ्योरी है? इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडर इट द थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, टर्म्स ऑफ द ट्रेड डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा आर स्टडी। डिटर्मिनेशन करा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, स्टडी करा जाता है। थ्योरी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, In it, the study of the theory, policies and the effects related to the government income expenditure loan, government के income के ऊपर, expenditure के ऊपर, loan के ऊपर study करा जाता है। Study of the fiscal policy is a prime subject of the public finance. Public finance के लिए fiscal policy का study होना बहुत ही ज़्यादा essential बन जाता है। Principle of money and banking, money और banking की क्या principles हो सकते हैं? In macroeconomics, the theories related to the money and banking, countries, monetary and the credit system, functions of the central bank and other banks in the international finance are studied. International finance को main study के ऊपर रखा जाता है। Macro theory of distribution. In the macroeconomics, the study of the distribution and the of wages and the profit, wages और profits का अगर distribution हो national income के ऊपर तो ही रखा जा सकता है। तो ये clear हो गया कि macroeconomics का scope है वो बहुत ही ज़्यादा wide है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अच्छा और तरीके वाला रोल हमको देता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी वर्ड्स में लिखा भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंडिविजुअल से रिलेटेड, और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड पॉलिसीज यहाँ पे डिफाइन होती है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कलेक्टिव एंड द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी अंडरस्टैंड करा जाता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द नॉलेज ऑफ ओनली द इंडिविजुअल यूनिट्स कैन बी डब। जो नॉलेज है इंडिविजुअल यूनिट्स की ही करी जाती है। कलेक्टिवली एंड द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑफ द वाइल्ड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑफ वाइल्ड इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। इट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज एंड द थ्योरीज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डन विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारा काम करा जाता है। यूजफुल इन सॉल्विंग द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर देते हैं। इकोनॉमिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया, नेशनल सेविंग हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारा कंजप्शन हो गया, हमारा प्रोडक्शन हो गया। यूजफुल इन द इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बड़ा यूजफुल हिस्सा बन जाता है। एट प्रेजेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड फॉर द फास्ट एंड द बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवरी नेशन टेक द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द टारगेट्स इन द प्लान इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस के बेसिस पे टारगेट्स को सेट कर दिया जाता है।
एनालिसिस ऑफ द ट्रेड साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय द डन बाय डूइंग एनालिसिस ऑफ द फैक्टर ऑफ द बूम एंड डिप्रेशन इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर टेकन फॉर द रिमूवल ऑफ दीज साइकिल्स साइकिल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं एनालिसिस ऑफ द मॉनेटरी प्रॉब्लम्स के एनालिसिस किस तरीके से करते हैं नॉलेज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री स्टडी इट्स इफेक्ट्स एंड द कॉज ऑफ द मॉनेटरी प्रॉब्लम्स के कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को समझना सॉल्यूशंस समझना रिमूवल के प्रॉब्लम्स को करा जाता है किसके बेसिस पे मैक्रो एनालिसिस के ही बेसिस पे Due to the micro paradoxes, it's essential to study the whole economy. पूरी economy को study करना बहुत ही ज़्यादा essential बन जाता है. Due to the micro paradoxes, it is essential to study the whole economy because those decisions which are applicable on the individual units में जितनी भी चीज़ें applicable होती है, it is not necessary that the same decisions will be applicable on the economy. ये ज़रूरी नहीं है कि same ही decision लेके लिया जाए पूरी economy के लिए भी. Analysis of unemployment. Unemployment को किस तरीके से analyze करा जाता है? In the country, reason for the unemployment is due to the lack of the effective demand. Effective demand na hone ke karan hum reduce kar dete hain unemployment ko. So for the removal of the unemployment, increase in the effective demand is essential. Effective demand ka increase hona bahut hi zyada essential ban jata hai. This factor of unemployment, its effects and the solution for the removal of these effects is possible through the macro analysis. Macro analysis से इन सारी problems को बहुत ही जड़ से हम clear भी कर सकते हैं. Limitations of the macroeconomics. Macroeconomics की क्या-क्या limitations हो सकती हैं? Importance not given to the individual units को importance नहीं दी जाती है it is not complete analysis because it is instead of individual units whole economy is steady collectively या तो पूरी economy को collectively हम steady करते हैं so by the study of its importance is given to the undivided units इनके study mainly focus में आती है possibility of wrong prediction का होना भी possible role play करता है policies framed on the basis of the economy whole economy sometimes may be dangerous for some firms को firms के लिए बहुत ज़्यादा dangerous हो सकता है जैसे अगर general price level को fix कर दे तो price of the commodity fix हो जाएगी increase अगर करना चाहे कोई भी prices के अंदर decrease करना चाहे तो general price level तो remain fix ही रहेगी हमेशा Difficult to find out the macro quantities को find out करना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है It is difficult to find out the macro quantities index number defective of the giving the weightage to the index number के ऊपर जितने भी weightage है वो difficult हो जाते हैं analyze करने के लिए जिसकी वजह से जो data है total investment का total savings का या total consumption का वो हम easily analyze नहीं कर पाते No attention on the structure of the composition of the group. In the macroeconomics, attention is given only the towards the group. Group के ऊपर ही study करा जाता है. Total structure या composition नहीं देखा जाता. Group किससे बना है, क्या-क्या चीजें हैं group के अंदर, ये सब चीजें नहीं देखी जाती. Mutual interdependence of the micro and the macroeconomics. Micro और macro के अंदर mutual interdependence क्या होती है? Though the micro and the macroeconomics are two different branches of the economic analysis. क्योंकि ये दो different branches हैं. Instead, both are not competitive but complementary and helpful to each other. दोनों चीजें helpful है एक दूसरे के लिए. It means that the both maintain a good relation and are mutually interdependent on each other. ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए interdependent हैं. तो देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो में कैसे इंटरडिपेंडेंट है भाई सबसे पहला है प्राइस और द पेमेंट गिवन टू द मेंट ऑफ द प्रोडक्शन इंटरेस्ट वेजेस बी बाय द इंडिविजुअल फर्म ऑफ द प्रोड्यूसर डज नॉट डिपेंड ऑन डिमांड ऑफ द मींस ऑफ द प्रोडक्शन द होल इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी में इसकी डिमांड के हिसाब से डिपेंड नहीं करती है हर चीजें दूसरा है The individual firm can sell its product with an extent depends upon the purchasing power of whole society. Puri whole society purchasing power se ek individual apne product ko kitna bhi bech sakta hai. Price of the one commodity does not depend on the demand and supply of the commodity. Ek cheez ki price ka hona zaruri nahi hai kisi bhi dusri ki price ka effect hoga hi hoga. And individual firm while determining the demand of its commodity, individual firm agar determine kar legi demand kisi bhi commodity ki, to usko dimag mein kya cheez rakhni hai ki society mein kitni demand hai, employment kitna hai, income ka ye सब चीजें दिमाग में रखनी है कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो भी देख लेते हैं इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी मींस द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटीज ऑफ द कंट्री अगर डिमांड किसी भी कमोडिटी की एक बार में बढ़ी तो ऑब्वियसली बात है पूरी कंट्री की डिमांड यहां पे बढ़ेगी बट इट इज आल्सो पॉसिबल दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ सम कमोडिटी लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है डिमांड किसी भी कमोडिटी का और डिमांड ऑफ द सम कमोडिटी इज इंक्रीजिंग एट द स्लो रेट और हो सकता है कभी-कभार जो डिमांड है कुछ कमोडिटी की वो स्लो रेट से बड़े कंपैरेटिव टू द अदर कमोडिटीज
To know the effects of the increase in the national income, individual study of the expenditure done by the people is essential. जो study है लोगों के हिसाब से ही करी जा सकती है. It is possible that there is an increase in the prices of some commodities. कुछ commodities की prices का increase होना लाजमी है. But the decrease in the price of some commodity by the general price level is fixed. अगर general price level हमारा fixed है तो हम demand को fulfill नहीं कर पाते हैं. So from the above example, it is clear that the micro and the economic are mutually interdependent to each other. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा interdependent हैं. For getting the correct economic conclusion, knowledge of both is very important. दोनों की knowledge होना बहुत ही ज़्यादा important है. So Samuels has correctly stated that Samuelson ने correctly बताया है, there is really no opposition between the micro and the macroeconomics. Micro और macroeconomics में कोई भी opposition नहीं होता. Both are absolutely vital and you are only the half educated if you are understand one while ignorant the other. आप आधी education ही लोगे अगर आपने एक को study कर लिया और दूसरे को study नहीं करा तो. तो ये हमने micro और macro analysis के बारे में discuss कर लिया है. Thank you so much.